अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाज़िब कमाल फ्रॉम ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम। जावास्क्रिप्ट में खुश आमदीद। इस क्लास में एक बेसिक फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की, और कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जावास्क्रिप्ट की के हवाले से, सेंटेक्स के हवाले से आपको दी जाएगी, ताकि आप कभी कोई प्रॉब्लम का शिकार ना हो इस पर काम करते हुए। चंद बेसिक इस बारे में जो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम अभी फ़िलहाल अलर्ट पर काम नहीं करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अलर्ट खाली मैंने एक सैम्पल आपको दिखाया था कि जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये जावास्क्रिप्ट में कुछ भी लिखने के लिए, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अपने वेब पेज में कुछ भी लिखने के लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के फीचर का इस्तेमाल करते हैं। एक फंक्शन है, ठीक है, एक्चुअली फंक्शन राइट है और डॉक्यूमेंट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट को हमने फीचर दिया राइट का। बहरहाल ये मैं इंशाल्लाह ताला तफसील से आपको समझाऊंगा इस हवाले से कि ऑब्जेक्ट और फंक्शन में क्या डिफरेंस हुआ, लेकिन बहरहाल किसी कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप सेंटेक्स ओपन पैरेंथेसिस ओपन करते हैं। पैरेंथेसिस ये राउंड ब्रैकेट्स कहलाते हैं, जिन्हें आप शिफ्ट दबाकर 9 और शिफ्ट दबाकर 0 से आप इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में आपको एक सेमीकॉलर इंसर्ट करना पड़ता है, ताकि आपकी कमांड कंप्लीट हो सके। ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं, जैसा दिल चाहे आप लिख सकते हैं, और वो जावास्क्रिप्ट में शो हो जाएगा, ठीक है। अगर अल्फाबेटिकल वैल्यूज़ हो अगर, या इंटीजर हो आपका, तो फिर आप विदाउट सिंगल कोट्स लिखेंगे, और अगर आपका कोई स्ट्रिंग यानी कि सिंपल अल्फ़ाबेट्स हैं तो फिर आप स्ट्रिंग यानी सिंगल कोट्स लगाएंगे और तमाम डेटा सिंगल कोट्स के अंदर देंगे। इंशाल्लाह ताला आगे की क्लासेस में स्ट्रिंग और इंटीजर वगैरह पे बात करेंगे तफसील से। फिलहाल हम एक बेसिक इसका डिस्प्ले लेते हैं क्या आ रहा है। मैंने लिखा इधर हेलो वर्ल्ड, बिल्कुल सिंपल सा मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, और मैंने इधर स्केप कर दिया ना अपनी कमांड को, यानी मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने सेमी कॉलन ऐड कर दिया है, ठीक है। और तमाम डेटा जो मैं जो शो कराना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए, वो मैं इन पैरेंथेसिस के अंदर लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले इसका जब मैं लेता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरे सामने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ जाता है। जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे मैं इधर लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया है कि वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, रिफ्रेश नाउ आई गॉट द रिजल्ट एज वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, ओके समथिंग मोर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। किसी भी वर्ड को डॉक्यूमेंट डॉट राइट छोड़ें, आप किसी भी कैरेक्टर को आप कैपिटलाइज, या अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, केस उसका चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं डॉक्यूमेंट का डी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। डी मैंने बड़ा कर दिया और मैंने इसको रिफ्रेश किया, देन डेटा रिमूव हो गया, ठीक है ना। यानी ये डी छोटा है और डी बड़ा है, दोनों अलग अलग होंगे। डी अगर छोटा है तो डी छोटा ही रहेगा, डी बड़ा नहीं होगा। डॉट है तो डॉट है, डॉट के साथ स्पेस नहीं दिया जाएगा। अगर जैसा रूल है वैसे ही रूल दिया जाएगा, इधर स्पेस फालतू में नहीं आएगा। स्ट्रिंग्स के अंदर यानी आपके अल्फ़ाबेट्स के अंदर या के अंदर तो स्पेस आ सकता है, लेकिन जहाँ स्पेस की, जहाँ मतलब एक फंक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कोई कमांड आपकी कमांड का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो फिर या आपकी जो वर्ड है वो कंप्लीट नहीं हुआ हो जो कमांड से मुतालिक हो, तो फिर आप उसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते। मतलब आप इधर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे सकते, इससे भी डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है ना। और ना ही आप इधर इधर आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन आप इधर स्पेस दे सकते हैं, ठीक है ना। इधर स्पेस क्यों दे सकते हैं आप, क्योंकि ये आपका एक्चुअल एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको डिस्प्ले मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सेंटेक्स है इसका, कि आप किसी भी सूरत में जो है केस सेंसिटिविटी का बहुत ख्याल रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तीसरी अहम चीज़, यहाँ पर अगर आप ए को बड़ा कर देंगे तो कोई मैटर नहीं है, डिस्प्ले में ए बड़ा आ जाएगा, क्योंकि वो सिंपल अल्फ़ाबेट्स हैं, वो आपका एक्चुअली रिजल्ट है जो आप गेन कर रहे हैं, जबकि कमांड से ताल्लुक नहीं है इसका ना। लेकिन अगर आप इधर एक्स्ट्रा स्पेसेस देते हैं तो फिर रिजल्ट में क्या आएगा, नो एक्स्ट्रा स्पेस। जितनी स्पेस आप जो जितनी मतलब सिंगल स्पेस आएगी, चाहे आप जितनी भी स्पेस दे दें, सिंगल स्पेस काउंट की जाएगी, बिकॉज ये रूल है जावास्क्रिप्ट का भी, और शायद आपने अगर एचटीएमएल पे कभी काम किया हो इस हवाले से स्पेस चेक करने के लिए, तो वाइट स्पेसेस जो फालतू होती है रिमूव हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली सिंगल स्पेस आती है। चाहे आप टैब लगा दें, टैब के ज़रिए आप इंसर्ट करें, या किसी भी ज़रिए से इंसर्ट करें, सिंगल आएगी। और अगर आप सिंगल भी रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिंगल लगाएंगे तो सिंगल शो होगी, लेकिन सिंगल के साथ आप कितने भी लगा लें वो फिर एक्सटेंड नहीं होगा, डिस्प्ले में सिंगल ही काउंट होगी, वो आपने 4, 5, 6 जितनी भी लगाई होंगी। इट मेक्स नो चेंज इन जावास्क्रिप्ट, ये एक बेसिक इसका रूल है।
सही है ना। उसके अलावा अब जावास्क्रिप्ट का तमाम डेटा जो है स्क्रिप्ट के अंदर ही होगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ दूसरी स्क्रिप्ट खोल के दोबारा लिख सकता हूँ। और तीसरी चीज़, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके एक दूसरा एक मैंने जा बना लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, स्पेस, देखिए दोनों लाइंस बराबर में आ गई हैं। तो जैसे एचटीएमएल में काम करते हैं तो हम डिव को कंसिडर करते हैं कि डिव, अगर दो डिव लगेंगे तो ऑटोमेटिकली एक इंटर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। इंटर के लिए बकायदा आपको उसको कॉल करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो ये इंटर देता है। नहीं तो ये फिर अगर आपने दो डॉक्यूमेंट राइट लिख दिए तो इसे बेहतर था एक ही डॉक्यूमेंट राइट में पूरा डेटा लिख देते, क्योंकि यहाँ पर डेटा खत्म हो गया। अब आगे यहीं से कंटिन्यू करके इसका डिस्प्ले दिखा देगा, ऐसा नहीं होगा कि ये डॉक्यूमेंट राइट दूसरा नीचे लिखा तो नीचे आए, ऊपर लिखा तो ऊपर आए। तो लाइंस का कोई मैटर नहीं होता, ठीक है ना, कोडिंग लैंग्वेजेस में या किसी भी लैंग्वेज में लाइंस का कोई मैटर नहीं होता कि कितना नीचे लिखा हुआ डेटा। जहाँ पर पुराने डेटा की वैल्यूज़ ख़त्म हुई, दूसरे नए डेटा की वैल्यूज़ शुरू हो जाती हैं। यह है एक बेसिक सेंटेक्स जेक्यूरी में काम करने का। इंशाल्लाह ताला आगे काम करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन बहरहाल इस सेंटेक्स को ध्यान में रखिएगा कि केस सेंसिटिविटी वगैरह का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाज़िब कमाल फ्रॉम ऑनलाइन उस्ताद.com। अल्लाह हाफिज़।